दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हो तो यूट्यूब के प्रीमियम फीचर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा और काफी ज्यादा यूट्यूबर ना इसका यूज करते हैं। हालांकि मैं भी अपनी हर वीडियो के अंदर तो यूज नहीं करता, बट कुछ कुछ वीडियो के अंदर यूज कर लेता हूं इसका। और अगर आप भी अपनी वीडियो के अंदर प्रीमियम यूज करते हो या फिर प्रीमियम यूज करना चाहते हो तो कुछ सवालों का जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मेन जो क्वेश्चन रहता है ना, ये रहता है कि अगर हमने 5 बजे का प्रीमियम सेट कर दिया तो क्या 5 बजे हमें डाटा ऑन रखना पड़ेगा या फिर ऑफ में भी अपना वीडियो है जो पब्लिक हो जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि हर वीडियो को प्रीमियम कर सकते हैं, अगर हमने हर वीडियो को प्रीमियम किया तो क्या इसके नुकसान और क्या इसके फायदे, और इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके माइंड में आएंगे या फिर आते होंगे, तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देना हूं। तो बिल्कुल स्किप किए बिना है आपने इस वीडियो को देखना है। और उससे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि प्रीमियम करते कैसे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, उसमें सारा एक्सप्लेन किया कैसे सेट करते हैं और क्या इसके फायदे हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन रहता है वो डाटा को लेकर रहता है। जैसे मान लीजिए जो भी हमने प्रीमियम सेट किया, जिस भी टाइम पे सेट किया, तो हमें क्या उस टाइम पे डाटा को ऑन करना पड़ेगा या फिर ऑफ पे अपनी वीडियो जो पब्लिक हो जाएगी। तो उसका सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कल शाम 5 बजे मैंने अपनी वीडियो को प्रीमियम करना, मतलब अपलोड करना, और उसके लिए मैं आज ही सेट कर दूंगा प्रीमियम, उसका शेड्यूल में लगा के प्रीमियम लगा दूंगा। अब मेरा जो काम है वो आज करेगा, मतलब डाटा का जो काम है वो आज करेगा, तो मैंने उसको सेट कर दिया। अब बाकी जो काम है ना यूट्यूब का है, अब यूट्यूब जैसे अगला दिन होगा 5 बजे का, यूट्यूब उसको अपने आप पब्लिक कर देगा और सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मतलब मेरा जो काम है वो आज का है, डाटा कल ऑफ हो या फिर ऑन हो उससे कोई मैटर नहीं करता, वो काम आगे यूट्यूब का रहता है। तो समझ गए आप। तो दूसरा क्वेश्चन जो रहता है वो हर एक वीडियो को प्रीमियम कर सकते हैं कि नहीं। देखो आप हर वीडियो को प्रीमियम तो कर सकते हो, बट अगर आपका यहाँ पे हफ्ते में आप वीडियो अपलोड करते हो, 2 हफ्ते में करते हो या फिर 1 महीने में वीडियो अपलोड करते हो, तो आप हर वीडियो को प्रीमियम कर सकते हो। वहां पे करना भी चाहिए ताकि जो जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनको एक दिन पहले पता लगे कि कल आपकी वीडियो आने वाली है। अगर आपका कंटेंट ही ऐसा है जैसे टैक वाले होते हैं या फिर आपका कंटेंट ऐसा जो कि आप डेली वीडियो अपलोड करते हो, तो आप डेली उसको प्रीमियम मत लगाना यार। जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो बोर हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो डेली प्रीमियम लगा देता है, होती तो नॉर्मल वीडियो है। अगर आपकी कोई खास वीडियो ना और आप डेली वीडियो बनाते हो और कोई खास वीडियो बनाते हो ना, उसमें जरूर आप प्रीमियम सेट करो ताकि उनको पता लगे यार ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है, तो वहां पे जितने भी सारे ऑडियंस है ना वो एक साथ आपके वहां पे देखेगी। और जो तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपने अगर मान लो प्रीमियम सेट कर दिया तो क्या उसके इंस्टेंट व्यू बढ़ जाते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रीमियम सेट कर दिया, जितने भी सब्सक्राइबर है सबको पता लगे कि आपकी शाम 5 बजे वीडियो अपलोड होने वाली है, जितने भी आपने टाइम सेट किया, जैसे मान लो 5 बजे सेट कर दिया तो 5 बजे वहां पे सबको पता लगे 5 बजे वीडियो आएगी, तो वहां पे जितने भी सब्सक्राइबर सब अलर्ट हो जाएंगे और सारे के सारे वहां पे 5 बजे एकदम वीडियो आपके देखेंगे। और जैसे अगर आप नॉर्मल से अपलोड करते हो ना, तो अगर मान लो 100 में से अगर 5 लोग भी देखते हैं, 50 लोग भी देखते हैं ना, तो वहां पे उससे 10 लोग देखेंगे और वहां पे 50 की जगह 80 लोग देखेंगे, क्योंकि उनको पता होगा शाम 5 बजे वीडियो आनी ही आनी है। तो इससे आपके ना इंस्टेंट व्यू बढ़ते हैं। और जो पहली बार जब आप चलता है ना, तो ये एक लाइव की तरह चलता है, जिसकी वजह से इसको स्किप नहीं कर सकते और वहां पे उसको पूरा देखना पड़ता है। अगर कोई देखेगा, अगर किसी के इंटरेस्ट की काम वीडियो है ना, तो वहां पे पूरा देखेगा बिना स्किप किए, तो वहां पे जो वॉच टाइम है उसका काफी अच्छा कवर होगा। अगर वॉच टाइम आपका अच्छा कवर हो जाता है तो वीडियो जरूर आगे आपकी जाती है और वायरल भी हो सकती है। और अगला क्वेश्चन ये रहता है कि नोटिफिकेशन कितनी बार जाता है, और अगर मान लो जैसे मान लो 5 मिनट रह गया या फिर 10 मिनट रह गया वीडियो प्रीमियम होने का, जैसे 5 बजे में 10 मिनट रह गया और आपने वहां पे उसका जो टाइम है ना उसको बदल दिया या फिर उसको अनलिस्टेड कर दिया, और 1-2 दिन बाद आपने फिर दोबारा सेट कर दिया टाइम, या फिर 1-2 दिन बाद उसको डायरेक्टली आप पब्लिश कर दोगे, तो वहां पे क्या होगा, तो नोटिफिकेशन कितनी बार जाएगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है, देखो नोटिफिकेशन सिर्फ आपका 2 बार जाएगा। तो जो पहली बार आप प्रीमियम सेट करोगे उसके जो आधे घंटे पहले एक नोटिफिकेशन जाएगा, और उस जो आपने टाइम दिया जैसे 5 बजे के दिए, तो उसके 2 मिनट पहले एक और नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मान लो कि पब्लिश होने से कुछ टाइम पहले आपने उसका जो डेट है वो आगे बढ़ा दिया, मतलब उसका प्रीमियम थोड़ा आगे बढ़ा दिया, आज की जगह 2-3 दिन बाद का आपने टाइम सेट कर दिया, फिर 2-3 दिन बाद उसको पब्लिक करोगे, तो क्या वहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। आपका जो नोटिफिकेशन एक ही बार जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में जाएगा 2 बार, एक आधा घंटा पहले, एक बार 2 मिनट पहले, उसके बाद आपका कोई नोटिफिकेशन वहाँ पे नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं सारे आपको सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अगर इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पे रिप्लाई ना मिले तो इंस्टाग्राम पे आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल दबा दें, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी, क्योंकि ऐसी नॉलेज वाली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।